दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको विलियम शेक्सपियर की एक और कहानी जिसका टाइटल है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। अगर आपको इस कहानी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को अच्छी तरह से समझना है तो इससे पहले आपको हमारा द्वारा बनाया गया एक वीडियो जूलियस सीजर जो कि हमारे चैनल पर शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में है उसको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप उस जूलियस सीजर वाले वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उस कहानी को, जूलियस सीजर वाली कहानी को आपने समझ लिया तो ये कहानी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या फिर कहें कि फाउंडेशन है थोड़ी सी वहाँ से चलती भी आ रही है। हल्का सा हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे लेकिन थोड़ा सा अगर बेटर रहेगा अगर जूलियस सीजर वाला वीडियो जो कि हमारे चैनल पर शेक्सपियर वाली प्लेलिस्ट में है उसको देख ले। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। जो जूलियस सीजर की हत्या के बाद में जो तीन लीडर्स थे एंटोनी, सीजर एंड लिपिडस, इन्होंने एक तरह से बागडोर संभाली थी क्रांति की, और जो कैशियस और ब्रूटस के अगेंस्ट में लड़ाई जीतने के बाद में ये तीनों के तीनों एक तरह से रोम के ट्रिमिडस यानी ट्रिमिट्रिस मतलब त्रिमूर्ति बन गए थे। और उसके बाद में फिर ये तीनों राजकाज संभालते हैं, कौन, मार्क एंटोनी, ऑक्टावियस सीजर एंड लिपिडस। ये त्रिमूर्ति हैं रोमन एम्पायर के, रोमन साम्राज्य के, और ये तीनों मिलकर रोम के जो रोमन रिपब्लिक है उसको संभालते हैं। तो एंटोनी, ऑक्टावियस एंड लिपिडस सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, ये तीनों मिलकर रोम के रिपब्लिक को संभालते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टर आती हैं इस कहानी के अंदर वो है क्लियोपेट्रा जो कि क्वीन ऑफ इजिप्ट है। और उसके बाद में ये जो क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है वो एक तरह से लवर है एंटोनी की। और उसके बाद में जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो है सेक्सटस पोम्पे जो कि इस कहानी के अंदर सेक्सटस पोम्पे ये रिबेल करते हैं अगेंस्ट द रोमन रिपब्लिक, जो त्रिमूर्ति हैं तीनों के अगेंस्ट में रिबेल करते हैं, क्रांति करते हैं एक तरह से। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं एंटोनी की तरफ से वो हैं डेमेटस एनर्बस वेंडिटिस जो कि इसके एक तरह से सिपहसालार कह सकते हैं वो हैं। जो ऑक्टावियस की तरफ से हैं ऑक्टाविया जो कि ऑक्टावियस की सिस्टर है, और इसकी जो मंत्रीगण हैं या सेनापति हैं वो हैं मैकेनस, एग्रिपा, टॉरस एंड डोलाबेला। और जो क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा के साथ में जो हैं वो हैं कैरिमन जो कि इसकी एक मैड है, और इरस है जो कि इसकी मैड है, और जो डायमिडस है वो इसका खजांची एक तरह से ट्रेजरर है, और सेलिकस इसका अटेंडेंट है। तो और भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं इसके अंदर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स वो यही हैं, तीनों त्रिमूर्ति ट्रिमवेरिस एंटोनी, सीजर और लिपिडस। क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है, पोम्पे है जो कि अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट में त्रिमूर्ति के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ता है, और ऑक्टाविया जो कि ऑक्टावियस की सिस्टर है, और इनके अलावा और जो करेक्टर्स हैं वो हैं। तो इस तरह से ये करेक्टर की समरी पूरी होती है। अब हम इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। जो एंटोनी है वो क्लियोपेट्रा के प्यार में बिल्कुल एक तरह से पागल है वो, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो क्लियोपेट्रा के साथ ही बिताना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो क्लियोपेट्रा के साथ ही बिताता है। और जो ये तीनों त्रिमूर्ति हैं, जो ये तीनों त्रिमूर्ति हैं लिपिडस, ऑक्टावियस और एंटोनी, इनके बीच में एक मतलब बोला जाए तो प्रॉमिस हुई थी या एक हुआ था कि अगर कुछ भी होता है रोमन रिपब्लिक को, कुछ भी होता है तो तीनों एकजुट होकर उसका सामना करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तीनों एकजुट होकर उसको सामना करके उसको लड़ेंगे। लेकिन यहाँ होता ये है कि जो एंटोनी है वो पूरी तरह से क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल है, और उसकी जो दो फ्रेंड्स हैं फिलो एंड डिमिट्रिस वो डिस्कस करते हैं कि एंटोनी को क्या हो गया है, वो क्लियोपेट्रा के प्यार में इतना पागल है कि वो राजकाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और यहाँ तक कि और वो अभी इजिप्ट के अंदर ही रह रहा है। जो एंटोनी है वो इजिप्ट में क्लियोपेट्रा के साथ में रह रहा है, और एक मैसेंजर आता है रोम से जो कि बताता है कि रोम के अंदर अभी हालात काफ़ी ख़राब हैं, और जो वहाँ पर काफ़ी एक क्रांति के जैसे सिचुएशंस बन रही है। साथ में वो ये भी इंफॉर्मेशन लाता है कि जो फुलविया जो कि उसकी एंटोनी की पत्नी है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि एंटोनी को लगता है कि उसे अब जाकर रोम के में जो हालात है उनका जायजा लेना चाहिए, और वहाँ पर देखना चाहिए कि हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, और जाकर उसे अपनी वाइफ जो फुलविया है जो कि ख़त्म हो गई है उस
जो सेरेमनी है उसको भी अटेंड करना चाहिए, इसलिए फिर वहां से एंटोनी इजिप्ट से निकलने की तैयारी करता है और क्लियोपोट्रा को बोलता है कि वो न जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे जाके रह जाएगा, वो कुछ दिन वहां की हालात सुधार कर वापस आ जाएगा। ऐसा करके वो क्लियोपोट्रा से विदाई करता है और रोम के लिए रवाना हो जाता है। और इधर रोम के अंदर जो ऑक्टोवियस लिपिडस मीटिंग करते हैं, ये दोनों के दोनों त्रिमूर्तियों में से दो हैं और तीसरा तो ऑब्वियसली एंटोनी है, ये मीटिंग करते हैं कि जो पोम्पे है, पोम्पे का सन है, वो मतलब उसकी पॉपुलैरिटी जनता के अंदर बढ़ती जा रही है और वो जनता को भड़का रहा है हमारे खिलाफ, तो कैसे हम इसको अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में इसकी जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और उसकी बढ़ती पावर, इसको रोकें। साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे एंटोनी को यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर है, और वो इस टाइम पे उसे बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए था हमारी मदद करने के लिए। और क्योंकि एंटोनी रोम के लिए निकल चुका है तो क्लियोपेट्रा वहाँ इजिप्ट के अंदर अकेली है, तो वो अकेली अपना टाइम पास करने के लिए नारकोटिक्स मतलब नशे का यूज़ करती है और मतलब एक तरह से सोती रहती है और मतलब अपने टाइम को मतलब नो वो एंटोनी को याद करती रहती है और साथ में ये सोचती है कि एंटोनी ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो पूरे के पूरे ईस्ट को यानी पूर्व को पूरे के पूरे ईस्ट को वो क्लियोपेट्रा के बिहाफ में न जीतेगा और जीत के क्लियोपेट्रा को अर्पित कर देगा एक तरह से। तो इस तरह से क्लियोपेट्रा इन द एब्सेंस ऑफ एंटोनी अपना टाइम पास करती है। इधर जो पोम्पे है उसके जो पायरेट अलाइज है मेनस एंड मेनक्रिट्स, उनसे वो डिस्कशन करता है कि जो ऑक्टेवियस है उसकी जनता के अंदर ज़्यादा बुराई होती जा रही है क्योंकि ऑक्टेवियस ने टैक्सेस को बहुत बढ़ा दिया है और रोमन मासिस जो रोमन रोम के लोग हैं वो इस बात से नाराज हैं। और साथ में वो ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर जो एंटोनियो हैं अगर वो ऑक्टेवियस और लिपिडस की हेल्प करने नहीं आता है तो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है अगर एंटोनियो ऑक्टेवियस और लिपिडस की हेल्प करने नहीं आता है तो। और इसके साथ में वो ये भी बात करते हैं कि जो फुलवियस जो कि एंटोनियो की वाइफ है और लूसियस जो एंटोनियो का ब्रदर हैं, उन्होंने दोनों ने ऑक्टेवियस के साथ में दगा किया है और अंत में वो मारे गए हैं। तो इस कारण से भी हो सकता है कि जो ऑक्टेवियस और एंटोनियो हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर ऑक्टेवियस और एंटोनियो दोनों एक साथ हो गए तो हमारे लिए युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। उसके बाद में मीटिंग होती है एंटोनी और ऑक्टेवियस की रोम के अंदर। ऑक्टेवियस एंटोनी को मतलब एक तरह से बोलता है कि तुमने स्टेट की जो अफेयर्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, तुम तो अपने और चीज़ों में बिजी हो और जो तुम्हारी जो पत्नी है और जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारा तुम्हारी पत्नी है और भाई जो लूसियस है उसने मेरे अगेंस्ट में एक तरह से विरोध करने का साहस किया है। तो एंटोनी बोलता है कि मैंने तुमको लेटर भी भेजा था कि जो मेरी पत्नी और भाई जो तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और एक्चुअली मेरी पत्नी तुम्हारे अगेंस्ट में इसलिए जा रही थी ताकि मैं इजिप्ट से आकर उसको यहाँ पर रोक सकूँ। वो चाहती थी कि मैं इजिप्ट से यहाँ आ जाऊँ, इसलिए वो एक तरह से मुझे प्रोवोक करने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही थी। और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की क्लियोपेट्रा के साथ में, तो वो मेरा एक पर्सनल अफेयर है, उसमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और साथ में ये जो आज अफेयर्स स्टेट अफेयर्स बने हुए हैं, इस तरह के खराब माहौल बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेवियस यानी तुम्हारी वजह से बना हुआ है कि तुमने ढंग से रूलिंग नहीं की, तुमने ढंग से राजकाज को नहीं संभाला और जनता का विश्वास नहीं पाया, इस कारण से ये माहौल खराब हुआ है, ऐसा एंटोनी ऑक्टेवियस को बोलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटोनी और जो ये ऑक्टेवियस है इनके बीच में एक तरह से मनमुटाव सा हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए, सही उनके बीच में रिलेशंस को सुधारने के लिए जो एग्रिपा है जो कि ऑक्टेवियस का मंत्री है एक तरह से, वो एक सॉल्यूशन देता है कि एंटोनी क्योंकि अब एक बिना पत्नी का या विडो हो चुका है, विधुर हो चुका है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि जो ऑक्टेविया है जो कि ऑक्टेवियस की सिस्टर है उसकी शादी एंटोनी से करवा दें, तो इससे तुम दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो जो ऑक्टेवियस है वो बोलता है कि ऑक्टेविया की शादी एंटोनी से करवा तो दें, लेकिन क्या जो ये एंटोनी है क्या ये वास्तव में एक विडो है, क्योंकि उसको पता है कि उसका अफेयर क्लियोपेट्रा के साथ में है। तो एंटोनी बोलता है ठीक है मेरा अफेयर
क्लियोपेट्रा के साथ में आया, लेकिन वो एज सच ऐसे कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है ऐसा वो बोलता है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्टावियस और एंटोनी दोनों इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं और ऑक्टावियस की जो सिस्टर है उसकी शादी एंटोनी के साथ में कर दी जाती है। लेकिन जो एंटोनी का जो फ्रेंड है या उसका मंत्री है या उसका सेनापति एनोबार्बस, वो बिल्कुल सही बोलता है कि चाहे ये शादी इनके बीच में हो तो गई है, लेकिन जो एंटोनी है वो किसी भी कीमत पर क्लियोपेट्रा को नहीं छोड़ेगा और ये शादी एक तरह से जस्ट एक पॉलिटिकल मैरिज होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इधर इजिप्ट के अंदर जो क्लियोपेट्रा है उसके पास में एक मैसेंजर आता है जो कि ये बताता है कि एंटोनी की शादी ऑक्टाविया ऑक्टावियस की सिस्टर के साथ में हो गई है। तो क्लियोपेट्रा को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो जो उस मैसेंजर है उसको काफ़ी पीटती है और बाद में उसी मैसेंजर को भेजा जाता है कि वो ये पता लगा के आए कि जो ऑक्टाविया है उसके फीचर्स कैसे हैं, वो कितनी टॉल है, कैसी दिखती है और उसकी मतलब सुंदरता के बारे में पता लगा के आए वो मैसेंजर। और जब वो मैसेंजर ये चीज़ पता लगा के आता है तो वो बताता है कि जो ऑक्टाविया है वो टॉल नहीं है और स्टैच्यू लाइक दिखती है, उसका फेस भी राउंडिश गोलाकार में है। और कुल मिला के इस तरह बताता है कि ऑक्टाविया क्लियोपेट्रा जितनी अट्रैक्टिव और क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर नहीं है। तो इससे क्लियोपेट्रा के दिल को तसल्ली पहुंचती है कि जो ऑक्टाविया जो कि नई पत्नी बनी है, न्यू वाइफ बनी है एंटोनिया की, वो उसकी जितनी सुंदर नहीं है। और साथ में जो क्लियोपेट्रा की जो अटेंडेंट है कैरीमैन, वो बोलती है कि जो एंटोनियो हैं वो अपनी पत्नी जो ऑक्टाविया है उसके साथ में ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह पाएगा क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं है, इस कारण से वो ज़्यादा सुखी नहीं रह पाएगा और वो वापस क्लियोपेट्रा के पास में आएगा ही आएगा। तो इस बात को सुनकर क्लियोपेट्रा काफ़ी खुश होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये त्रिमूर्ति हैं तीनों और जो पोम्पे है जो कि इनके अगेंस्ट में काम कर रहा था, उनके बीच में एक मीटिंग होती है। वो ये डिसाइड करते हैं कि जो पोम्पे है उसको सॉवरेनिटी ओवर सिसिली एंड सर्दिनिया, ये दो जगहों का नाम है सिसिली और सर्दिनिया, इनकी सॉवरेनिटी पोम्पे को दे दी जाएगी और इसके बदले में जो पोम्पे है उसने जो अपनी पायरेट इलीगल एक्टिविटीज कर रखी है रोमन रिपब्लिक के तट पर कोस्ट पर, वो उनको वो रोक देगा। तो काफ़ी मंत्रणा करने पर इस चीज़ के लिए, इस डील के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके बाद में ये डील उनके बीच में फाइनल हो जाती है कि पोम्पे को सिसिली और सर्दिनिया नाम की जगह की सॉवरेनिटी मिल जाती है और वहाँ पर वो रूल कर सकता है। और इसके बदले में पोम्पे इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी प्रकार की पायरेट एक्टिविटीज़ नहीं होगी रोम रिपब्लिक के अगेंस्ट में उनके तटों पर। और क्योंकि उनकी ये मीटिंग सक्सेसफुल रही है तो इसलिए जो पोम्पे है वो अपनी जगह पर वहाँ पर एक पार्टी होस्ट करता है जहाँ पर ये सब लोग एंजॉय करते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं और काफ़ी हंसी मजाक और काफ़ी एंजॉयमेंट होता है। तो लेकिन इसी दौरान जो मीनस नाम का एक पैरेट है वो पोम्पे से आके मिलता है और पोम्पे को बोलता है कि जो ये अपने बीच जो डील हुई है उसमें एक तरह से अपन नुकसान में हैं, सही नहीं है, और अगर आप बोलो तो मैं अभी जो तीनों के तीनों जो त्रिमूर्ति यहाँ आए हुए हैं इनको अगर आप बोलो तो मैं अभी एक झटके में ही खत्म कर देता हूं और उसके बाद में आप रोमन रिपब्लिक के राजा आप बन जाना। लेकिन पोम्पे इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये मेरे ऑनर के खिलाफ होगा कि जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं उनको मैं एक तरह से धोखे से मार दूं, तो इसलिए वो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। उसके बाद में उनकी ये पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं। पोम्पे चले जाता है अपने ठिकाने और जो लिपिडिस एंटोनी और ऑक्टावियस है वो भी एक दूसरे को गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो गुड बाय कह रहे होते हैं जो ऑक्टाविया ऑक्टावियस की सिस्टर है वो एक तरह से दुखी होती है क्योंकि अब उसको अपने भाई को छोड़कर एंटोनी के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते वो अपने भाई के कान में कुछ राज की बात बोल जाती है और ऐसी कुछ मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बात वो अपने भाई के कान में बोलती है कि उसके बाद में ऑक्टावियस एक तरह से अपसेट हो जाता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है और वो अपसेट हो जाता है। उसके बाद में होता यह है कि जो ऑक्टावियस है वो जो पोम्पे के अगेंस्ट में वार करने के लिए तैयार हो जाता है
उनकी इतनी अच्छी मीटिंग हुई थी, उसके बाद में सब कुछ रिजोल्व हो गया था, उसके बावजूद पता नहीं क्या होता है इसको ऑक्टावियस को कि वो पोम्पे के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे एंटोनी को गुस्सा आता है कि अगर एंटोनी ऐसा करता है, एक तो ऑक्टावियस ऐसा करता है कि वो पोम्पे के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए न करता है, और साथ में वो एंटोनी के अगेंस्ट में भी जाता है, तो फिर एंटोनी अपनी खुद की आर्मी खड़ा करेगा और वो ऑक्टावियस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेगा। और जो उसकी वाइफ है ऑक्टाविया, वो बोलती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे और मुझे एक तरह से धर्म संकट में मत डालो कि मैं किसको चूज करूंगी, अपने भाई ऑक्टावियस को चूज करूंगी या तुमको अपने पति को चूज करूंगी। तो एंटोनी बोलता है तुम अपने दिल की बात सुन सकती हो, जहां तुम रहना चाहो वहां रह सकती हो, और तुम अगर अपने भाई के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो, ऐसा एंटोनी ऑक्टाविया को बोलता है। उसके बाद में होता ये है कि जो ऑक्टावियस और लिपिडस है वो मिलकर पोम्पे को हरा देते हैं, लेकिन उनको हराने के बाद में जो ऑक्टावियस है वो लिपिडस पर फॉल्स चार्जेस लगाता है कि उसने पोम्पे के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र किया है, इसलिए वो पोम्पे को भी गिरफ्तार कर लेता है। और अब देखा जाए तो जो रोमन रिपब्लिक है उसके सिर्फ दो ही मालिक रह गए हैं, एंटोनी और ऑक्टावियस, और अब ऑब्वियस है उनके बीच में भी लड़ाई होगी सोल सुप्रीमेसी के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि जो ऑक्टाविया है, जो ऑक्टवियस की सिस्टर है, वो जाकर ऑक्टवियस अपने भाई से मिलती है और कहती है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। लेकिन जो ऑक्टवियस बोलता है कि एंटोनी एक बहुत ही खराब इंसान है, वो तुमको छोड़कर इजिप्ट में रह रहा है क्लियोपेट्रा के साथ में, और उनसे जो बच्चे हुए हैं उनको वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज दे रहा है, जो कि एक्चुअली उसके और एंटोनी के बीच में डिवाइड होनी चाहिए थी। और अब उसे ये भी पता चला है कि जो एंटोनी है वो एक बड़ी आर्मी खड़ा कर रहा है ऑक्टावियस के अगेंस्ट में उसे लड़ाई करने के लिए। तो इस तरह से फिर होता यह है कि ऑक्टावियस और एंटोनी के बीच में लड़ाई की शुरुआत होती है, और जो एंटोनी है वो समुद्री वार लड़ने के लिए तैयार करता है। हालांकि उसको फायदा होता अगर जो जमीनी लड़ाई लड़ता ऑक्टावियस के अगेंस्ट में, तो उसको ज्यादा फायदा होता, लेकिन क्योंकि जो ऑक्टावियस है उसने उसको चैलेंज किया था एंटोनी को कि समुद्री लड़ाई लड़के बताओ, तो इसलिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एंटोनी समुद्री वाली लड़ाई लड़ता है उससे पहले, और जमीनी लड़ाई बाद में लड़ने का निर्णय लेता है। युद्ध काफी अच्छा चल रहा था और एंटोनी के काफी फेवर में भी था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि पासा पलट गया। हुआ ये कि जो क्लियोपेट्रा है बिना किसी रीजन के वो एकदम से युद्ध छोड़ के चली जाती है, और जब एंटोनी को पता चलता है कि क्लियोपेट्रा युद्ध छोड़ के चलेगी तो एंटोनी भी क्लियोपेट्रा को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे चले जाता है, और एंटोनी की एब्सेंस के अंदर उसकी सेना का मोरल एक तरह से टूट जाता है, और उसकी जो नेवल फोर्स है वो बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो जाती है, और जो एंटोनी की जो लैंड फोर्सेस है वो सरेंडर कर देती है सीजर के आगे। तो इस तरह से एंटोनी जो जीता हुआ युद्ध था वो हार जाता है, और उसे क्लियोपेट्रा पर बहुत गुस्सा आता है, और वो क्लियोपेट्रा से आगे मिलता है कि तुम वहां से क्यों भागी। तो क्लियोपेट्रा ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर मैं वहां से भाग जाऊंगी तो तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाओगे, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ, और न माफी मांगती है क्लियोपेट्रा एंटोनी से। एंटोनी पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन बाद में वो मतलब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और वो कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही जाऊँगा, और जो ये नुकसान हुआ है उसकी तुम भरपाई करना चाहती हो तो मेरे को सिर्फ एक किस दे दो, वो मेरे लिए सफिशियंट होगी नुकसान की भरपाई करने के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि एंटोनी और क्लियोपेट्रा की तरफ से एक मैसेंजर आता है जो कि ऑक्टावियस से आके मिलता है, और उनकी जो भी प्रार्थना है वो बताता है। एंटोनी बोलता है कि जो ऑक्टावियस है वो उसको इजिप्ट के अंदर रहने दे या फिर एथेंस के अंदर रहने दे, लेकिन सीजर इस बात के लिए मना कर देता है। क्लियोपेट्रा बोलती है कि जो नो सीजर है ऑक्टावियस सीजर है वो टॉलमिस को उसका वारिस बनने दे और इजिप्ट का वारिस बनने दे। तो सीजर इस बात के लिए मान जाता है, क्लियोपेट्रा के इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त रखता है कि जो एंटोनी है उसको वो उसके हवाले कर दे और उसको शरण ना दे या फिर उसको मरवा दे। तो जब वो मैसेंजर ये मैसेज लेकर इजिप्ट पहुंचता है, और जब वो एंटोनी को बोलता है कि उसकी इस रिक्वेस्ट को ऑक्टेवियस ने मानने से मना कर दिया है, तो एंटोनी को बहुत गुस्सा आता है, और वो उसको मैसेंजर को बोलता है कि वो सीजर के पास में जाकर मैसेज दे कि अगर उसमें दम है तो वो 1-to-1 अकेले मुझसे लड़के बताए।
और उसके बाद में वो मैसेंजर क्लियोपेट्रा के पास में जाता है और उसको बताता है कि जो ऑक्टेवियस है उसने ये बोला है कि एंटोनियो को या तो वो शरण देना बंद कर दे या से मार दे, इस तरह से बोला है, तभी वो तुम्हारी शर्त को मान सकता है। तो जब उनके बीच में वार्तालाप चल रहा होता है, उसी बीच एंटोनियो वहां पर आ जाता है और एंटोनियो को गुस्सा आता है उस मैसेंजर पर, उस मैसेंजर को वहां से वो भगा देता है, ये कहते हुए कि वो जाके ऑक्टेवियस को बोल दे कि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार रहे। साथ में उसे क्लियोपेट्रा पर गुस्सा भी आता है कि क्लियोपेट्रा उस मैसेंजर से क्यों बात कर रही है। उसके बाद में एंटोनी क्लियोपेट्रा को बोलता है कि अब हमें अगले युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी और हम कल वापस आक्रमण करेंगे उन पर, और आज की जो रात है हम वो आराम से एंजॉय करते हैं, और सारे जो अपने स्टाफ है उनको एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, और इससे सब में एक उत्साह आ जाता है कि अगली लड़ाई करने के लिए उत्साह आ जाता है, और क्लियोपेट्रा भी काफ़ी खुश होती है इससे। उसके बाद में दोनों पार्टीज में युद्ध होता है और इस बार जो एंटोनी की आर्मी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और सीजर की आर्मी को पीछे हटना पड़ता है, और जो एंटोनी के सोल्जर्स है वो पैसे सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हमने पिछली लड़ाई में कर ली होती तो हम पिछली बार ही जीत चुके होते। तो देखा जाए जो पहला दिन है वो एंटोनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और एंटोनी वापस अपने सोल्जर्स के साथ में कैंप में लौटता है और ये निर्णय करता है कि हम अगले दिन तो इस युद्ध को समाप्त ही कर देंगे। लेकिन अगले दिन युद्ध के अंदर ये होता है कि जो दोनों तरफ की आर्मीज हैं, लैंड आर्मी हैं वो तो मतलब युद्ध नहीं लड़ती हैं, और जो नेवी है वो आपस में युद्ध करती हैं, और जो एंटोनी की तरफ से एक्चुअली जो इजिप्शियन फ्लाइट, मिस्र की फ्लाइट जो कि क्लियोपेट्रा की थी, वो लड़ाई लड़ रही होती है ऑक्टावियस के अगेंस्ट में, ऑक्टावियस की नेवी के अगेंस्ट में। लेकिन बीच युद्ध के अंदर होता यह है कि जो इजिप्शियन फ्लीट है, इजिप्शियन नेवी है, वो सरेंडर कर देती है सीजर के आगे, और जैसे ही वो सरेंडर करती है सीजर के आगे, एक तरह से देखा जाए तो जो ऑक्टावियस सीजर का पलड़ा भारी हो जाता है। एंटोनी को इससे बहुत गुस्सा आता है और उससे बहुत ही मतलब एक गुस्सा आता है कि क्यों उसने क्लियोपेट्रा से मित्रता की क्यों, और उसको इतना गुस्सा आता है कि क्योंकि जो इजिप्शियन नेवी है वो बैक ऑफ कर गई और सीजर को अगेंस्ट कर दिया, सीजर के मतलब सरेंडर कर दिया सीजर के सामने। तो इससे एंटोनी को गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा क्लियोपेट्रा पे निकालता है, और उससे इतना गुस्सा आता है कि अगर क्लियोपेट्रा उसके सामने आ जाएगी तो वो उसको खत्म कर देगा। जब क्लियोपेट्रा को पता लगता है कि एंटोनी उससे बहुत गुस्सा है तो उसको सिर्फ एक ही चारा नजर आता है एंटोनी के गुस्से से बचने के लिए, कि वो इस तरह की एक झूठी खबर फैला दे कि क्लियोपेट्रा ने खुद को मार लिया है। तो वो ऐसा ही करती है, वो क्लियोपेट्रा छुप जाती है और अपनी एक झूठी अफवाह खबर फैलाती है कि नो क्लियोपेट्रा ने खुद को मार लिया है, और जब ये इंफॉर्मेशन एंटोनी के पास में पहुंचती है तो वो बहुत ही दुखी होता है कि क्लियोपेट्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो जो एंटोनी है वो काफ़ी गुस्सा करता है क्लियोपेट्रा पर कि जो क्लियोपेट्रा है वो सीजर से जाके मिल गई है, लेकिन जो मेडियन है जो कि अटेंडेंट है क्लियोपेट्रा की, जब वो आके बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्लियोपेट्रा तुमसे पहले भी वफादार थी और आज भी वफादार है, इसी कारण से उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। तो इस सच को जानकर एंटोनी को काफ़ी दुख होता है और वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और अपने पास में जो उसका दोस्त है इरोज उसको वो बोलता है कि वो उसको ख़त्म कर दे, लेकिन इरोज एंटोनी को ख़त्म करने के बजाय खुद को ही ख़त्म कर लेता है। और उसके बाद में जो एंटोनी है वो भी खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं कर पाता लेकिन खुद को घायल कर लेता है। लेकिन तभी क्लियोपेट्रा का जो अटेंडेंट है डायमिडिस वो आता है और बताता है कि जो क्लियोपेट्रा वो जीवित है, अभी मरी नहीं है, और उसने ऐसा झूठ इसलिए बोला था ताकि वो जो एंटोनी है उसके गुस्से से बच सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लियोपेट्रा ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियोपेट्रा अभी भी उसके प्रति ईमानदार है। तो इस पर एंटोनी बोलता है अपने गार्ड्स को कि वो उसको क्लियोपेट्रा के पास में लेकर जाए। उसके बाद में जो एंटोनी है वो क्लियोपेट्रा से मिलता है, एंटोनी एक तरह से मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, वो क्लियोपेट्रा को मना करता है कि वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, और उसके मरने के बाद में क्लियोपेट्रा उसको ऐसे इस जिस सिचुएशन में अभी वो है उसमें याद ना करे, बल्कि उस सिचुएशन में याद करे जब एंटोनी काफ़ी पावरफुल था और उसने एक तरह से पूरी 30 दुनिया पर राज किया था, और उस कंडीशन में उसको याद करे। और नो क्लियोपेट्रा इस बात के लिए उसको अश्योर करती है, और साथ में वो ये भी बोलती है कि वो किसी भी कंडीशन में जो ऑक्टावियस सीजर है उससे मैं संधि नहीं करूंगी, और
क्लियोपेट्रा एंटोनी को बोलती है कि वो बिल्कुल भी ना मरे ना और उसके साथ में ही जिए, लेकिन एक्चुअली एंटोनी काफी घायल हो चुका था, तो अंत में जाके वो मर जाता है। और जैसे ही एंटोनी मरता है तो क्लियोपेट्रा भी डिसाइड करती है कि वो भी एंटोनी के साथ ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि जो सीजर है वो अपनी मंत्री डोलाबेला को ऑर्डर देता है कि वो जाए और जाकर एंटोनी को बोले कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जब वो ये बोल रहा होता है उसी वक्त इजिप्ट से एक मैसेंजर आता है और वो एक तलवार लेके आता है और वो इन्फॉर्म करता है कि जो एंटोनी है वो ख़त्म हो गया है, और वो सबूत के तौर पर वो तलवार देता है। उस तलवार को देखकर इस बात की बिल्कुल एक तरह से ना पक्की हो जाती है कि जो एंटोनी है वो ख़त्म हो गया है। हालांकि सीजर को खुश होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सीजर, एग्रिपा और मैकेसन वो खुश नहीं होते, बल्कि दुख मनाते हैं क्योंकि एंटोनी कभी उनका दोस्त था। साथ में वो जो मैसेंजर है वो बोलता है कि क्लियोपेट्रा की तरफ से मैसेज है कि जो सीजर है, ऑक्टावियस सीजर है, वो उससे क्या चाहते हैं। तो जो सीजर है, ऑक्टावियस है सीजर, वो बोलता है कि क्लियोपेट्रा को जाकर ये मैसेज दो कि उसे किसी भी प्रकार की, किसी कोई डर की आवश्यकता नहीं है। और जो ऑक्टावियस है वो उसका राज्य उससे नहीं छीनेगा, लेकिन जो क्लियोपेट्रा है वो गलती से भी ना खुद को मारने का, खुद को खत्म करने का कोई डिसीजन ना लें, वो बिल्कुल आराम से जिंदा रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोम हमेशा इजिप्ट की रक्षा करेगा, एक तरह से ऐसा वो उस मैसेंजर को बोलते हैं। उसके बाद में जो प्रोक्लियस है वो सीजर की तरफ से जाता है और क्लियोपेट्रा को विश्वास दिलाता है कि उसे बिल्कुल भी सुसाइड करने की या खत्म होने की जरूरत नहीं है। जो रोम है और जो सीजर है वो उससे अच्छे संबंध बना के रखेंगे, वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में सीजर खुद भी वहां पर आ जाता है और वहां पर आके वो जो क्लियोपेट्रा है, सीजर जो ऑक्टावियस सीजर है, खुद आता है क्लियोपेट्रा से मिलने के लिए और कहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें मतलब किसी भी डर की बात नहीं है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और जो तुम्हारा राज्य है वो भी तुम्हारे पास में रहेगा, और जो तुम्हारी धन संपत्ति है वो भी तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे बच्चे ही बाद में इजिप्ट पर रूल करेंगे, तुम्हें सिर्फ हमारी एक शर्त माननी है कि तुम्हें खुद और तुम्हारे बच्चों के साथ में आकर जो रोम की गलियों में तुम्हारी एक परेड निकाली जाएगी, वो एक परेड हम निकालना चाहते हैं, अगर तुम उसके लिए रेडी हो जाते हो तो हमें तुम्हारी बाकी सब शर्तें मंजूर है। उसके बाद में जो क्लियोपेट्रा है वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पर ऑक्टावियस सीजर के सामने घुटने नहीं टेकेंगी और किसी भी कीमत पर रोम की गलियों के अंदर अपने बच्चों के साथ में परेड नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उसको मरना ही पड़े। और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो खुद को ख़त्म कर लेगी, और इसके लिए वो पूरी तैयारी करती है। वो एक बास्केट मंगाती है, टोकरी जिसके अंदर एक सांप होता है, और वो अपने कंप्लीट अपनी ड्रेस के अंदर तैयार होती है। और उसके बाद में वो अपनी जो अटेंडेंट्स है, कैरीमैन है और एरेस है, उनको किस करती है, और उसके बाद में वो जो नो बास्केट है उसके अंदर जो सांप है उससे वो खुद को कटवा लेती है। और उसको कटवाते ही एकदम से क्लियोपेट्रा खत्म हो जाती है। और उसके बाद में जो उसके जो अटेंडेंट्स है, कैरीमैन और एरस, वो भी ऐसे ही करती हैं और वो भी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में जो उनके अटेंडेंट्स जो कि सीजर के द्वारा वहां पर रखे गए थे, वो आके देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर क्लियोपेट्रा की लाश पड़ी है, और साथ में उसकी अटेंडेंस है वो भी मरी पड़ी है। और जब इस बात का पता ऑक्टेवियस सीजर को चलता है तो वो काफी दुखी होता है, और लेकिन वो अंत में जाकर क्लियोपेट्रा को जो एंटोनी के पास में ही दफनाता है। और साथ में एंड में जो ऑक्टेवियस सीजर है वो ये कहता है कि शायद दुनिया आज के बाद, इस टाइम के बाद में जो इतना बढ़िया कपल है, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा वाला जो कपल है, इसके बाद शायद दुनिया कभी ऐसे कपल को दोबारा से ना देख पाए। इस पॉइंट पर इस कहानी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, इस नोट पर ये कहानी खत्म होती है। बहुत ही शानदार कहानी है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। रोम के जो त्रिमूर्ति हैं वो तीनों राज करते हैं, लेकिन जो उनके बीच में आपस में फूट पड़ जाती है। एंटोनी ऑक्टावियस सीजर के अगेंस्ट में युद्ध लड़ता है, लेकिन वो युद्ध उतने कंसंट्रेशन और उतनी कुशलता से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि वो क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ा हुआ रहता है, तो उसकी एक तरह से जो आर्मी स्किल्स होती हैं वो एक तरह से खत्म हो जाती हैं, तो वो नहीं लड़ पाता है उतनी कुशलता से, और वो ऑक्टावियस सीजर से युद्ध में हार जाता है एंड में जाकर। लेकिन एंटोनी और क्लियोपेट्रा का प्यार एक तरह से हमेशा के लिए अमर हो जाता है। देखा जाए तो एंटोनी अगर ख़त्म होता है तो क्लियोपेट्रा भी उसके पीछे पीछे खुद को ख़त्म कर लेती है, ताकि वो
अगले जन्म में या आफ्टर लाइफ एंटोनी से मिल सके। तो इस तरह से ये कहानी एक युद्ध की कहानी, अविश्वास की कहानी भी है और साथ में साथ एक सच्चे प्यार की भी कहानी है। इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आता है उसे दबा दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स एंड टेक केयर।